नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम सुगम भारती का पाठ पांच पढ़ेंगे। पाठ पांच है लौह पुरुष सरदार पटेल। प्रस्तुत पाठ में सरदार पटेल के चारित्रिक गुणों का परिचय दिया गया है। उनके गुणों के विषय में विश्व के प्रमुख राष्ट्र निर्माताओं में बड़े सम्मान के साथ लिए जाने वाले नामों में सरदार पटेल का विशिष्ट स्थान है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का व्यक्तित्व। सरदार वल्लभ भाई पटेल का व्यक्तित्व असाधारण प्रतिभा का धनी है। विशिष्ट बुद्धिमत्ता, अप्रतिम प्रशासनिक क्षमता तथा प्रतिकूल परिस्थितियों में भी वे सफलता के लक्ष्य को प्राप्त करने की उनमें अद्भुत क्षमता थी। वे स्वभाव से अत्यधिक बहुत ही वीर, निर्भय, दृढ़ निश्चयी, परिश्रमी तथा लगनशील थे। इसी कारण उन्हें लोह पुरुष कहा जाता था। अब सरदार पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नाडियाड गुजरात में हुआ था। इनके पिता का नाम जवेर भाई तथा माता का नाम लाडबाई था। इन्होंने हाई स्कूल से 1897 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। सरदार पटेल के विशिष्ट मानवीय गुण बचपन से ही प्रकट होने लगे। एक बार वे अपने पिता के साथ खेती के कार्य में सहयोग कर रहे थे, सहायता कर रहे थे, और वे क्या कर रहे थे, उनके पीछे पीछे क्या पहाड़ी भी याद करते जा रहे थे। अब पहाड़े याद करने में वो इतने मग्न हो गए कि उनके पैर में डाब नामक घास का एक नुकीला कांटा चुभ गया और इस बात का उन्हें पता ही नहीं चला। जब उनके पिता ने देखा कि उनके पैरों से खून निकल रहा है तो वे दंग रह गए। अब पिता ने क्या करा, दृढ़ता से उनको सहराते हुए, पुचकारते हुए क्या करा, पैर से कांटा निकाल दिया और उस पर क्या करा, काड़ वृक्ष की पत्तियां रगड़ दी, जिससे क्या हुआ, खून बहना बंद हो गया। अब सरदार पटेल व्यक्तिगत जीवन में भी बड़े ही सहृदय एवं सच्चे मित्र के रूप में प्रसिद्ध थे। वे विषम परिस्थितियों में भी क्या करते थे, विषम परिस्थितियों में भी किसी भी मित्र के काम आने के लिए सदा तत्पर रहते थे और वचनबद्ध थे। वे अपने आप को वचनबद्ध मानते थे। सार्वजनिक जीवन में लोह पुरुष की संज्ञा प्रदान करके भी उनका हृदय कैसा था, नारियल के समान था, बाहर से कठोर और अंदर से नरम। वे क्या करते थे, किसी भी विषय भाव या विचार को उसी समय समझ जाते थे और अगले ही पल वे क्या करते थे, उसके अनुसार काम करते थे। सरदार पटेल प्रतिक्षण सजग, सचेष्ट और स्फूर्तिवान रहते थे। वे स्वस्थ हो या अस्वस्थ, सोते हो या जागते हो, हर क्षण हर स्थिति में उनका ध्यान राष्ट्र की मौजूदा महत्व की समस्याओं एवं उनके समाधान पर ही लगा रहता था। स्वतंत्रता संग्राम काल में सत्याग्रह आंदोलन एवं बारडोली में किसानों को एकत्रित कर लगान माफ करने जैसी उल्लेखनीय सफलताओं में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। तभी से जनता इनको सरदार के नाम से संबोधित करने लगी। राष्ट्रहित के लिए अर्जित बड़ी बड़ी सफलताओं के कारण सरदार पटेल ने जितनी महानता
अर्जित की है उससे कहीं अधिक, अपने मानवीय गुणों के कारण वे महान बने। उनके पास हाजिर जवाबी तथा विनोद प्रियता का अक्षय और अनुपम भंडार था। अपने सहायकों और उनका अनुसरण करने वालों द्वारा कोई भी अपराध यदि हो जाता तो वे क्या करते, उन पर कृपा किया करते। वे उनकी देखभाल और चिंता पिता के समान करते थे। वे एक बार इस पर विश्वास कर लेते फिर वे कभी उस पर शक नहीं करते थे। उनका मानना था कि विश्वास से ही विश्वास उत्पन्न होता है, तो उनके जो अनुसरण करने वाले हैं, जो उनके अनुयायी हैं या उनके मित्र हैं, उनके बीच जो परस्पर मधुर संबंध है, इसका रहस्य ही क्या था, उनका विश्वास। सरदार पटेल सुनते अधिक थे और बोलते बहुत कम थे। वे जब बोलते तो क्या करते, किसी ही महत्वपूर्ण विषय पर ही बोलते और उसकी घोषणा करने के लिए ही बोलते। वे जो बोलते वो ऐसा होता मानो जैसे युद्ध की घोषणा करने के समान होता। किसी भी विषय पर उनकी सहमति, उनकी हामी, उनकी रजामंदी प्राप्त करना इतना आसान नहीं था। वे पूरी तरह किसी भी विषय के बारे में सोच विचार कर ही और अंत में आखिरी में अपनी स्वीकृति प्रदान करते थे। भारत के 150 वर्षों की दास्ता काल में पटेल जैसा व्यक्तित्व उत्पन्न ही नहीं हुआ, जो मनुष्य की अंतर्निहित उनके मन की शक्ति को पहचानने में गलती न करते हुए कार्य करते थे और उसकी विस्तृत रूपरेखा एवं उसके होने वाली संभावनाओं को भी जान जाते थे। सरदार पटेल का मस्तिष्क, उनका दिमाग संकेतात्मक ज्ञान कोश के समान था। ऐसा प्रतीत होता था मानो उनके मस्तिष्क में प्रत्येक बात की सूची बनी हुई है। सूची कैसी लगी हुई हो, व्यवस्थित तरीके से रखी हुई हो। और वे क्या करते थे, अवसर आते ही उसी समय क्या करते थे, निर्णय शीघ्रता पूर्वक जल्दी से लेकर और उसको प्रकट कर देते थे। और वो किस कोई से छोटा बारीक सी बारीक जो बिंदु है, विषय है, उसको छूटने नहीं देते थे, उसकी छूटने की कोई संभावना ही नहीं होती थी। अब वे जो जिद्दी रहते हैं, विद्रोही रहते हैं, उनको विनयानुशासन में लाना उन्हें बहुत अच्छे से आता था। उन्होंने कभी भी क्या करा, किसी शक्ति प्राप्ति की लालच नहीं किया। उन्हें जो भी शक्ति थी उनको बलपूर्वक थमा दी जाती थी, दे दी जाती थी, वे खुद प्राप्त करना नहीं चाहते थे। किसी भी कार्य को करना और उसको अंतिम रूप देने के तक वे क्या करते थे, पीछे ही रहते थे। आगे होके वे प्रकट नहीं करते थे कि हम ये, मैं ये काम कर रहा हूँ, वो काम कर रहा हूँ। वे शांति से पीछे रहकर ही वे काम को करते। विरोधी व्यक्तियों या दलों की निर्बलताओं को याद में रखकर, वे दिमाग में रखकर सावधानी पूर्वक उसका हिसाब किताब रखते, उसका लेखा जोखा रखते और उसी के द्वारा वे अपने विरोधियों को पीछे कर देते थे, उनको पछाड़ देते थे। अब वे जब स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पहले गृह मंत्री बने, उन्होंने क्या किया, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रथम गृह मंत्री के पद को सुशोभित करते हुए बहुत सारे कार्य किए। उनमें से प्रमुख है देशी रियासतों का एकीकरण। अंग्रेज भारत छोड़ते समय 500 से अधिक स्थित रियासतों को स्वतंत्र छोड़ गए थे। स्वतंत्र भारत के सामने इनकी समस्या ने विकट रूप धारण कर लिया था। सरदार पटेल ने अपनी कुशलता, राजनीतिक सूझबूझ
का करके इन सभी रियासतों का एकीकरण करके उस समस्या का समाधान चुटकियों में कर दिया। सरदार पटेल एक उदार नेता, विनयशील अनुयायी, कृपालु मित्र एवं श्रेष्ठ राष्ट्र निर्माता थे। वे अपने पैर दृढ़ता के साथ भूमि पर जमा कर राष्ट्र निर्माण में पूरा सहयोग शक्ति के साथ देते थे। जीवन के जब अंतिम दिनों में वे अस्वस्थ थे तो डॉक्टरों ने, चिकित्सकों ने चेतावनी दे दी थी कि उनकी स्थिति कैसी है, खतरनाक है। पूर्ण विश्राम करने के लिए कहा गया, फिर भी वे बिना रुके निरंतर कार्य करते रहे, क्योंकि उनकी ये बहुत बड़ी इच्छा थी कि भारत अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने में सफल और सुयोग्य बन जाए। उनकी भावना थी कि पूर्व में किया गया श्रम तो स्वराज्य के लिए था, किंतु आज तो हमें स्वराज्य प्राप्त हो गया है, उससे भी अधिक श्रम की आवश्यकता स्वराज के लिए है, तभी देश का उत्थान सही अर्थों में हो सकेगा, तभी स्वतंत्रता के लिए किए गए त्याग और बलिदान की सार्थकता होगी। धन्यवाद।